हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो हम लोग सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कवर कर लिए थे, ठीक है। अब कंफ्यूज मत करना, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं पढ़नी थी आपको, और जो भी कुछ पढ़ना था वो मैंने आपको सॉइल की पीएच में बता दिया था कि कोई भी बैक्टीरिया किस पीएच पे अपने आप को बेटर सर्वाइव कर सकता है, कौन सी फंगी अपने आप को बेटर किस पीएच पे मल्टीप्लाई कर सकती है, अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, और कुछ जो आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ेंगे जब रॉक का वेदरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, न तो फिर आप कमेंट करोगे सर आप बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाए ही नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक है, हम लोग आज से रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रॉक, ठीक है। इसके बाद हम लोग रॉक को पूरा पढ़ लेंगे, रॉक का क्या क्या टाइप्स होता है, कैसे हम लोग रॉक को ब्रेक करेंगे, मतलब रॉक का वेदरिंग कैसे होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स और मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा कि हमारे इंडिया में किस तरह के सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है, और मतलब अलग अलग क्लाइमेट में किस तरह का सॉइल होता है, तो उसका हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देन हमारा सॉइल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और नोट्स, कई लोगों को परेशानी हो रहा है कि हम नोट्स को अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर डले हुए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सबका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब तो खुश हो, तो चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रॉक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाएंगी, बट आपको थोड़ा सा वॉल्केनिक, जिसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए यदि आप रॉक पढ़ रहे हो तो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, मैग्मा रिजर्व चैम्बर है, ठीक है। मैग्मा चैम्बर क्या होता है, देखो मैग्मा एक लिक्विड होता है, जब रॉक पिघलते हैं ना तो पिघल के एक लिक्विड बन जाते हैं, और ये लिक्विड बनने के को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैग्मा इतना ज़्यादा हाईली प्रेशर से बाहर निकलता है, देख रहे हो ये मैग्मा जो है यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा, और जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसका नाम हो जाएगा लावा। कंफ्यूज मत करना, मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, मैग्मा है, जैसे देखो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है। आप यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, फटता है, विस्फोट करता है ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की वजह से। और फट के जब ये बाहर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लावा। तो कन्फ्यूज नहीं करना, अंदर जब रहेगा उसको मैग्मा बोलेंगे, जब फट के बाहर आ जाएगा तो उसको लावा बोलते हैं, ठीक। और ये लावा जो है बाद में फिर क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात बताया कि जब ये रेड बाहर निकल जाता है, जब ये रेड लिक्विड, जो लिक्विड है, लिक्विड को क्या बोल रहे थे लोग, मैग्मा बोल रहे थे, और जब ये मैग्मा बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो दैट मीन्स इसको आप क्या बोलोगे, लावा बोलोगे, ठीक है। फिर जब ये इनसाइड अर्थ रहता है, जब ये अर्थ के अंदर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्मा बोलते हैं, जब ये बाहर आता है तो इसको हम लोग लावा बोलते हैं, और ये लावा फिर बाद में सूख कर क्या बन जाता है, प्राइमरी रॉक, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ये इतना ज़्यादा मात्रा में हीट होता है, जैसे देखो आप आगे, ये जैसा नदी बहती है ना वैसे ये भी बहता है, देखो जब फटेगा, जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है ना तो वो क्या होता है, एक नदी की तरह, देख रहे हो किस तरीके से ये बह रहा है, देखो है ना, देख रहा है किस तरीके से ये फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, और इतना ज़्यादा मात्रा में ये हीट होता है, इतना हीट होता है कि इसको हाथ से नहीं पकड़ सकते, जल जाओगे, पूरी तरीके से जल जाओगे। देखो इसको, अगर इसकी बारे में हमको स्टडी करनी होती है तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये अगर इसमें जाएगा तो भाई साहब जल जाएगा पूरी तरीके से। तो ये क्या किया कि एक डंडा लिया और उस डंडा से इसमें क्या कर रहा है, उसको
कि उसके पार्ट को ये निकाल रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये डंटा है और इससे क्या कर रहा है वो, इसको खोद के निकाल रहा है बाहर और जाके इसको फिर फर्दर इसकी स्टडी करेगा। देख रहे हो, आए समझ में? देखिए फिर हम लोग देखते हैं रॉक का डेफिनेशन। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी का क्या रोल होता है रॉक का फॉर्मेशन में, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम लोग रॉक क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात, रॉक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक मिनरल, जैसे कि ये बहुत सारे मिनरल्स हो गए, जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वो जो आपका ज्वालामुखी जो मैग्मा बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? आपके अर्थ के अंदर से ही तो निकलता है ना, तो अर्थ के अंदर से निकलता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जब दो या दो से अधिक मिनरल्स आपस में कंबाइन करते हैं, क्या करेंगे भाई, कंबाइन करेंगे, तो उससे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग रॉक बोलते हैं। तो ये आप याद रखना, ये बहुत सारे मिनरल्स हैं आपस में कंबाइन होके क्या बनते हैं, रॉक बनते हैं। तो कई लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि रॉक से मिनरल बनते हैं और मिनरल से रॉक बनता है, तो मिनरल से रॉक बनता है ना कि रॉक से मिनरल बनता है। आया समझ में? जब बहुत सारे मिनरल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग रॉक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बताता है आपको कि इफ मैग्मा आर कूल, जब मैग्मा ठंडा होता है, मतलब आप रॉक का एक और तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हो कि इफ मैग्मा आर कूल, मुझे पता है मैग्मा कूल होगा तो क्या बनेगा, लावा बनेगा, ठीक है? और इस मैग्मा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, है ना? तो जब मैग्मा कूल होता है तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग रॉक बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। हम जब रॉक की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। और जो साइंटिस्ट पेट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं उसको हम लोग पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है? जो साइंटिस्ट रॉक वगैरह की स्टडी किया करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, पूछा गया है कई बार कि पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट, पेट्रोलॉजी को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है पेट्रोजेनेसिस और एक होता है पेट्रोग्राफी। अब कंफ्यूज मत करना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पेट्रो मतलब रॉक का, तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोजेनेसिस में रॉक का कैसे फॉर्मेशन होता है, उसकी ओरिजिन कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पेट्रोजेनेसिस में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? और पेट्रोग्राफी, ग्राफी मतलब क्या, हम लोग एक ग्राफ के रूप में एक बड़े तौर पे, एक बड़े पैमाने पे जब हम रॉक की स्टडी करेंगे, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हो डेस्क्रिप्शन ऑफ रॉक, या हम लोग रॉक की डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पेट्रोग्राफी बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पेट्रोजेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रॉक या फॉर्मेशन ऑफ रॉक, जब रॉक का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उसकी ओरिजिन कैसे होती है, इसकी स्टडी करेंगे तो हम पेट्रोजेनेसिस में आएंगे। और जब हम रॉक का डिटेल स्टडी करेंगे, बड़े पैमाने पे इसकी स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पेट्रोग्राफी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ रॉक। रॉक का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन शॉट ले लो, या आपको आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। यहाँ से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है? कई बार ये सेमेस्टर के में भी आपको दे दिया करेंगे कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ रॉक, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको हम समझाता हूँ आपको, ठीक है, आप समझने का प्रयास करना। हम लोग बात करेंगे मैग्मा से, ठीक है? मैंने आपको बताया कि मैग्मा जब सॉइल के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, आपस में रॉक्स कोलाइड करते हैं, तो ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से जो रॉक होता है वो क्या होता है, आप मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाता है तो ड्यू टू प्रेशर की वजह से वो बाहर फेंकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक ज्वालामुखी, है ना? और जब वो बाहर निकल जाएगा मैग्मा तो उसको क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। लावा फर्दर क्या होता है, ठंडा होके रॉक बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जो मैग्मा बाहर आया
वो ठंडा होगा, कूल होगा, और कूल होने के बाद वो क्या बन जाता है, लावा, और जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक या वॉल्के, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक भी बोल सकते हैं या प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला कि जब मैग्मा आपका ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा पृथ्वी पे आके, है ना, तो ये एक लावा बनेगा, और लावा फिर जब लावा से क्या होता है एग्नियस रॉक बनता है, एग्नियस रॉक को हम लोग वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं या प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये इग्नियस रॉक में जब आप हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब जब ये इग्नियस रॉक में हीट अप्लाई होगा, प्रेशर आएगा, तो ये वापस मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ठीक है, फिर आगे देखो, अगर इस इग्नियस रॉक में वेदरिंग हुआ या इरोजन हुआ तो ये सेडिमेंट बनेगा। अरे इस जब वेदरिंग का मतलब क्या है, टूट टूट के नीचे, टूट टूट के क्या होगा, नीचे गिरेगा, तो ये क्या बनेगा, सेडिमेंट बनेगा। सेडिमेंट क्या होता है, पीस ऑफ रॉक, रॉक का छोटा छोटा पार्ट। फिर जब ये सेडिमेंट में कॉम्पैक्शन होगा या कॉम्प्लीटेंशन होगा तो क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। फिर इस सेडिमेंट्री रॉक में यदि वेदरिंग या इरोजन का प्रोसेस अप्लाई होगा तो ये वापस सेडिमेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, है ना। फिर जब ये सेडिमेंट्री रॉक में आप हीट या प्रेशर अप्लाई होगा या आप कर सकते हो इट आर्टिफिशियली, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली, कि यदि सेडिमेंट्री रॉक में फिर से हीट और प्रेशर अप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में फिर से अगर वेदरिंग और इरोजन हुआ तो ये वापस सेडिमेंट बन सकता है। ठीक है, और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। तो ये पूछा गया है एग्जाम में, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था, कि कौन सा रॉक के पिघलने के कारण मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। जब मेटामॉर्फिक रॉक आपस में मेल्ट करेंगे, जब ये मेल्ट होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, तो क्या बनता है, मैग्मा बनता है। तो ये लाइफ साइकिल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा बात है, मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मैग्मा कूल हुआ, इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक में जब वेदरिंग या इरोजन हुआ सेडिमेंट बना, सेडिमेंट जब आपस में मिले आपस में तो क्या बने, सेडिमेंट्री रॉक बने, सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर आया तो वापस ये मेटामॉर्फिक रॉक बना, मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट होता है तो मैग्मा बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब किसी चीज़ में आप हीट या प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो वापस फॉर्म को चेंज कर लेता है। जैसे देखो इग्नियस रॉक में यदि आप हीट और प्रेशर अप्लाई हुआ तो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, बना या नहीं बना। ठीक है, इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। तो वेदरिंग, देखो इसमें इस पर आप कन्फ्यूज मत करना, आप सोचो ना कि रॉक का वेदरिंग तो होता रहता है, होता रहेगा, तो उसमें से एक एक पार्टिकल्स बाहर आते रहेंगे, सेडिमेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो तीनों रॉक में यदि आप वेदरिंग कराओगे तो वो सेडिमेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो कन्फ्यूज मत करना। ये जो लाइफ साइकिल है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आप जब MCQ सॉल्व करोगे तो मिलेगा कि कौन सा रॉक के मेल्टिंग होने से मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक के मेल्टिंग होने से मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। एज इट क्लियर, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक कितने तरह का होता है, एक होता है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जैसे अगले लेक्चर में हम लोग इग्नियस रॉक को कवर करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक को कवर करेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक को कवर करेंगे। इग्नियस रॉक के भी टाइप्स होते हैं भाई साहब, तो उसको जब हम इग्नियस रॉक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इग्नियस रॉक का दूसरा नाम भूलना मत, कई बार दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है, वॉल्केनिक रॉक, या इसको हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं। अब इसको क्यों प्राइमरी रॉक बोलते हैं, ये जब हम लोग इग्नियस रॉक पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप छोटा सा लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मुझे, तो हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको उसका ये डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है, और अच्छे से रहो।
अच्छे से अप्लाई करो। चलो, थैंक यू सो मच।